नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वीक 52 की टीआरपी बताने वाले हैं, जो कि पिछले साल 2023 के लास्ट वीक की है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टीआरपी एक वीक डिले से आता है, आज की इस वीडियो में वीक 52 के टॉप 10 चैनल्स की टीआरपी बताने वाले हैं कि वो कौन से चैनल हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं, और इसके साथ ही डीडी फिडिस के कौन कौन से चैनल हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। इसके साथ ही दोस्तों, सीरियल की भी टीआरपी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10 चैनल्स की टीआरपी की। नंबर 10 पर है स्टार विजय, नंबर 9 पर जी तेलुगु, नंबर 8 पर सोनी सब, नंबर 7 पर स्टार प्रवाह, नंबर 6 पर गोल्ड माइंस। वीक 51 के मुकाबले वीक 52 में गोल्ड माइंस ने यहाँ पे अच्छी टीआरपी हासिल किया है। जहाँ पे वीक 51 में गोल्ड माइंस चैनल नंबर 9 पर था, तो वीक 52 में कहीं ना कहीं गोल्ड माइंस चैनल को अच्छी टीआरपी मिली है और नंबर 6 पर आ गया है। नंबर 5 पर कलर्स, नंबर 4 पर सन टीवी, नंबर 3 पर स्टार मा, नंबर 2 पर दंगल। जी हाँ दोस्तों, दंगल चैनल को यहाँ अच्छी खासी टीआरपी मिली है। जहाँ वीक 51 में दंगल चैनल नंबर 3 पर था, वहीं पे वीक 52 में दंगल चैनल नंबर 2 पर आ गया है। स्टार मा को दंगल चैनल ने पीछे छोड़ दिया है, और डीडी फिडिस का चैनल है, डीडी फिडिस पर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, और हर बार की तरह नंबर 1 पर स्टार नेटवर्क का स्टार प्लस चैनल बना हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों, डीडी फिडिस के दो चैनल हैं जो टॉप 10 चैनल्स की टीआरपी में आ रहे हैं, और डीडी फिडिस पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सीरियल्स की, कि वो कौन कौन से सीरियल हैं जो सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, डीडी फिडिस के दर्शक सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उनको अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने अभी बताया कि दंगल टीवी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कर रहा है, उसको अच्छी खासी टीआरपी मिल रही है, और इसी वजह से दंगल चैनल के ही सीरियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा टीआरपी हासिल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं। वीक 52 में अगर हम सीरियल्स की टीआरपी की बात करें, तो यहाँ पर आईना सीरियल को 0.6 टीआरपी मिला है, पूर्णिमा सीरियल को 0.6 टीआरपी मिला है, कैसा ये रिश्ता अनजाना 0.3 टीआरपी मिला है, मन अति सुंदर 1.3 टीआरपी मिला है। दंगल चैनल के लिए कहीं न कहीं मन अति सुंदर बहुत ही अच्छा कर रहा है, और पिछले हफ्ते के मुकाबले इस सीरियल को इस हफ्ते वीक 52 में सबसे ज़्यादा टीआरपी मिला है। इसके बाद नथ जेवर या जंजीर 0.6 टीआरपी मिला है, मन सुंदर 1.1 टीआरपी मिला है। तो मन सुंदर सीरियल भी दंगल टीवी के लिए बहुत ही अच्छा कर रहा है, और नंबर 2 पर अभी बना हुआ है। मन सुंदर को मन अति सुंदर के बाद सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा टीआरपी मिला है। इसके बाद है तोसे नैना मिला के, जिसको 0.5 टीआरपी मिला है। दालचीनी यहाँ पे देखिए अच्छा नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ 0.3 टीआरपी मिला है, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले कम है। इसके बाद सासू जी तूने मेरी कदर ना जानी 0.3 टीआरपी मिला है। तो दंगल चैनल के ही ये सभी सीरियल हैं जो टीआरपी में आ रहे हैं, और इसमें दो ही ऐसे सीरियल हैं जो दंगल चैनल को नंबर 2 पर पहुंचा दिए हैं, मन अति सुंदर और मन सुंदर। ये दोनों सीरियल दंगल चैनल के लिए बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी खासी टीआरपी लेकर आ रहे हैं। सो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।